वेलकम टू ऑल इन फार्मा ई क्लास। आई एम अंकित मंगल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, इंदौर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच चेंज में रजिस्ट करते हैं। जब उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस उसमें ऐड करते हैं तो वो रजिस्ट करते हैं पीएच चेंज में। तो उन्हीं बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशंस क्या होता है और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी पॉइंट्स हम बहुत डिटेल में आज के ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हम कौन कौन से पॉइंट्स आज बात करेंगे या बफर्स के एप्लीकेशन जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो बफर्स का जो एप्लीकेशन होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, उसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो है सॉल्युबिलिटी में, सेकेंड कलर में, थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, फोर्थ है केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, फिफ्थ पेशेंट कंफर्ट, सिक्स ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, एंड लास्ट इज इन एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे बफर्स के तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल सिस्टम में या फार्मास्यूटिकल फील्ड में, लेकिन आज हम ये सारे इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उनके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटीज में। तो बफर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी में, जैसे कि पीएच का एक बहुत बड़ा रोल रहता है सॉल्युबिलिटी में। कुछ कंपाउंड ऐसे रहते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे सॉल्युबल होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे रहते हैं जो कि अल्कलाइन पीएच पे सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ अगर अपन पीएच अगर मेंटेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, अगर हमें इस कंपाउंड का मालूम है कि कौन सा कंपाउंड अपनी में जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किस पीएच पे देने वाला है, तो यहाँ अगर हम एक पीएच मेंटेन कर लेते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हम काफ़ी लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी काफ़ी लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बफर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। बफर्स क्या करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं और उस पर्टिकुलर पीएच पे जो है हमें कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी हमें ऑप्टिमम मिल जाती है। जैसे कुछ अमीन्स होते हैं या कुछ अल्कलाइड्स होते हैं विच आर सॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम। ये अमीन और कुछ अल्कलाइड क्या होते हैं कि जो कि अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल होते हैं, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी अगर एसिडिक मीडियम में देखा जाए तो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ अगर हमें अमीन्स और अल्कलाइड्स की अगर हमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी चाहिए तो हमें ये रहेगा कि हमें अल्कलाइन जो है पीएच जो है मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अगर हमें इनके इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनाना है जो कि हम इंट्रावेनस से दें, इंट्रामस्कुलर दें इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, तो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का अगर हमें फॉर्मुलेशन डेवलप करना है तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सॉल्युबिलिटी का। तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम जो है अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करके रखना रहेगा। तो यहाँ पर रोल होता है बफर्स का, बहुत बड़ा एक रोल रहता है। सेकेंड इज कलर। कई कंपाउंड्स या कुछ इंडिकेटर ऐसे रहते हैं जो कि कलर में डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे टाइट्रेशन में या अपन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो कुछ इंडिकेटर्स का जो कलर्स रहता है अल्कलाइन मीडियम में अलग रहता है और एसिडिक मीडियम में उनका कलर अलग रहता है। ये कलर्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं पीएच पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चेरी सिरप अल्कलाइन सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है और एसिडिक मीडियम में जो रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कैसा कलर रहता है, इसका रेड कलर का रहता है। तो अगर हमें कलर प्रॉपर कलर चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन का या किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, तो हमें उसका पीएच मेंटेन करना रहेगा, और पीएच मेंटेन करना रहेगा तो हमें वहाँ रिक्वायरमेंट होगी बफर्स की। तो कलर्स प्रोड्यूस करने में बफर्स का क्या रहता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट, किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी में। अब फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि पीएच का सॉल्युबिलिटी में बहुत बड़ा रोल रहता है जो कि हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, और स्टेबिलिटी में भी बहुत एक बड़ा रोल होने वाला है पीएच का या बफर सॉल्यूशन का। क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी रहती है पर्टिकुलर पीएच पे स्टेबल होती है, और जैसे पीएच कम या ज़्यादा हो जाए उस ऑप्टिमम पीएच पे, तो ड्रग कैसी होती है, इनस्टेबल हो सकती है। इसके अगर हम एग्जाम की बात करें तो एड्रेनलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अंडरगोस फास्टर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। जैसे हम एड्रेनलिन की बात करें, एड्रेनलिन एक ड्रग होती है सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स है जिसका एयर में डिकम्पोजिशन होता है, और ये अगर ये डिकम्पोजिशन अगर अल्कलाइन मीडियम में उसको मिल जाए या अल्कलाइन मीडियम में अगर एड्रेनलिन प्रेजेंट है तो इसका डिकम्पोजिशन कैसा रहता है, फास्ट रहता है। क्लियर है? तो यहाँ भी बफर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इनस्टेबिलिटी। क्लियर है? जैसे आप सभी को मालूम है कि कई कंपाउंड्स कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये कई टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है जो कि कंपाउंड्स में होती है। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी ड्रग की जो होने वाली है, ये एक पर्टिकुलर पीएच पे होती है। अगर वो पीएच में अगर वो कंपाउंड उस कंपाउंड को वो पीएच ऑप्टिमम पीएच मिल जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी भी क्या होती है, चेंजेस हो सकती है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर कार्बोनेट और सल्फाइड के जो सॉल्ट रहते हैं,
वो एसिडिक मीडियम में जो लिबरेट करते हैं CO2 और SO2। क्लियर है? जैसे अपन कोई सा भी, जब हम सॉल्ट, जैसे किसी भी कार्बन, जिसके हम सॉल्ट की बात करें, तो वो लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? तो यहाँ भी जो है बफर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिफ्थ एक पेशेंट कम्फर्ट। अब कई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऐसी रहती है जिसको पेशेंट जो है डायरेक्टली अप्लाई करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रीम अप्लाई करते हैं पेशेंट स्क्रीन में, आई ड्रॉप जो कि अप्लाई होता है आई में। क्लियर है? अब क्रीम का जैसे जो pH, अगर स्किन के pH से कंपेटेबल नहीं है, अगर स्किन के pH से अगर वो बहुत ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो, तो यहाँ पर pH अगर मेंटेन नहीं है तो क्या होता है कि पेशेंट जब वो क्रीम को अप्लाई करता है या किसी भी ऑइंटमेंट को अप्लाई करता है, तो उसे पेन फील होता है या कुछ सेंसेशन फील होता है। ठीक है? तो इसको ओवरकम करने के लिए, पेन को, इचिंग को या सेंसेशन को ओवरकम करने के लिए, उसका pH जो है वो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा जो कि स्किन के pH के इक्वल हो या उसके सिमिलर हो। तो यहाँ अगर pH मेंटेन रखना है तो यहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी बफर की। सिमिलरली अगर आई ड्रॉप्स की हम बात करें, तो आई ड्रॉप्स अप्लाई होता है आई के लिए, अगर वो जो आई ड्रॉप्स का अगर pH है वो लैक्रिमल सिक्रीशन के इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो भी इरिटेशन कॉज करेगा। तो इसलिए अगर वो इरिटेशन ना हो, तो आई ड्रॉप में भी pH क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसमें pH मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है बफर्स की। तो यहाँ पर भी जो है पेशेंट कम्फर्ट में भी बफर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है बॉडी के अंदर जाके अपने रिस्पांस प्रोड्यूस करता है या अपनी एक्टिविटी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक एक्टिविटीज़। अगर यहाँ पर पीएच में वेरिएशन हो जाता है, कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसकी एक्टिविटी जो जैसी डिजायर्ड एक्टिविटी थी या जैसी एक्टिविटीज़ हमें चाहिए बॉडी में, वो एक्टिविटीज़ नहीं मिल पाती है। तो वो मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि उसका पीएच भी मेंटेन हो। तो उस पीएच मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है बफर्स सॉल्यूशन की। नाउ अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की, इन एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मीनिंग ये होता है किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस करना। ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर, जैसे फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन है, कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स है जिससे सब्सटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस करने के लिए, एनालिटिक प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर pH की। तो कुछ मेथड ऐसी होती है जो कि पर्टिकुलर pH पे ही पॉसिबल हो पाती है, तो वो pH मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बफर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर भी जो एनालिटिकल प्रोसीजर की हम बात करें, तो बफर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर किसी भी कंपाउंड का जैसे कोई ऐसे परफॉर्म करना है या ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाना है या प्योरीफिकेशन टेस्ट लगाना है, जिसमें हमें देखना है कंपाउंड कितना प्योर है या इम्प्योर है, तो कई टेस्ट ऐसी होती है या कई रिएक्शन ऐसी होती है जो कि पर्टिकुलर pH पे ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये pH मेंटेन रखने के लिए रिक्वायरमेंट होती है बफर सॉल्यूशन की। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि pH को मेंटेन रखते हैं या pH चेंजेस को रजिस्ट रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।